हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है इसरो के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। तो इसमें कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लगाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। ये रहा पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसके अलावा हम गेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ईएससी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं उनमें यदि टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर लीजिए। इसके अलावा एसएससी, आरआरबीजेई, इन सबको इंक्लूड करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए अलग लेक्चर है। तो आप सेपरेट लेक्चर चाहते हैं एसएससी जेई, आरआरबीजेई या फिर इसरो, गेट, ईएससी, सभी आपको मिल जाएंगे चैनल पर। तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ईल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेटल्स व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 to 150 डिग्री सेल्सियस विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो इसमें आप ध्यान रखिए, जितनी भी मेटल होती है ना उसमें जो क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ईल्ड स्ट्रेंथ होती है ना वो हमेशा बढ़ती है। आपने सुना होगा एक इंजन का नाम क्रायोजेनिक इंजन, सुना है ना? क्रायोजेनिक इंजन में हम स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है ना उनको काफ़ी माइनस टेम्परेचर पर ले जाकर स्टोर करना रहता है। शायद -195 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर पर। तो उसमें हम मेटल का यूज करते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता घटता जाता है तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोसाइट इज ऑब्टेंड व्हेन क्वेंचिंग स्टील ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अ फुली हार्डेंड स्टील इज फाइनली ड्रॉन एट अबाउट 677 डिग्री सेल्सियस, स्टील इज रेपिडली क्वेंच्ड इन ऑयल, और अगला दिया हुआ व्हेन ऑयल स्टील आर रेपिडली क्वेंच इन द वाटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रोसाइट हमको कब मिलता है? जब हम जो स्टील होता है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यदि हम उसकी क्वेंचिंग कर देते हैं तब मिलता है हमको क्या? ट्रोसाइट, है ना? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन हार्डनिंग इज द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द कोर, यूनिफॉर्म हार्डनिंग, सिलेक्टिव हार्डनिंग, हार्डनिंग सरफेस ऑफ द एंड रेजिस्टेंस। देखिए इंडक्शन हार्डनिंग में क्या करते हैं हम, ऐसा कि माना कि ये मेटल है, इसकी मुझे हार्डनिंग करनी है, तो इसके चारों तरफ मैं कॉइल लगा दूंगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा और इसकी सरफेस की हार्डनिंग करता हूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्डनिंग सरफेस फॉर बियर रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर, यानी कि तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हैवी वाटर इज यूज इन एटोमिक पावर प्लांट, एटोमिक पावर प्लांट में जो हम हैवी वाटर है वो किस लिए यूज करते हैं? एज अ फ्यूल, सोर्स ऑफ एनर्जी, लुब्रिकेंट या फिर मॉडरेटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या दिया हुआ? मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अगला दिया हुआ है, बिच वन इज नॉट अ पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द स्टील ऑन द सरफेस, चेंजिंग द परसेंट नॉट, यानी कि कौन सा इसमें से पर्पस नहीं है? तो क्या दिखा हुआ? चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन इन बल्क, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द ग्रेन साइज, रिमूविंग एंड अनडिजायरेबल रेसिडुअल स्ट्रेस। तो इसमें जो पर्पस नहीं है वो वाला है ऑप्शन नंबर बी, चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन इन बल्क, यानी कि बल्क में थोड़ी करते हैं यार हम, थोड़ा बहुत करते हैं उसमें चेंज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया हुआ, दी कोल्ड चीजल आर मेड ऑफ, किसके बनाते हैं? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, HSS या फिर हाई कार्बन। तो किसकी बनाते हैं हम, जो कोल्ड चीजल होती है वो बनाते हैं हाई कार्बन की। इसमें है ना हमको टेम्परेचर तो बढ़ाना नहीं है, इसलिए कार्बन कोई प्रॉब्लम करने वाला यहाँ पर नहीं है, इसलिए किसकी बनाते हैं? हाई कार्बन की। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी विच इज परमानेंटली डिफॉर्म इज सेड टू बी अंडरगोज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, लिमिट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। तो देखिए इलास्टिक डिफॉर्मेशन बैड डिफॉर्मेशन होता है, जिस माना कि मैं इस पेन को ऐसे कुछ एक्सटेंड कर दूँ, वैसे तो ये पेन नहीं होगा, स्टील हो जाती है, रबड़ हो जाती है, तो वो अपनी वापस पोजीशन गेन करती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लिमिट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है वो होती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बैड डिफॉर्मेशन होता है जिसमें बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। तो सेवन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि इलास्टिक लिमिट के बाहर आपने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये अपनी पावर
ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं कर पाता। अगला दिया हुआ यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन, यानी कि उसके रॉड जो भी आप यूनिफॉर्म कर रहे हैं उसका पूरे में, माना कि मैं इसका क्या करना चाहता हूँ, डिफॉर्मेशन करना चाहता हूँ, तो ये यूनिफॉर्मली डिफॉर्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा डिफॉर्म हो गई यहाँ कम, ये है इसका मतलब। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ स्लिप बाय विच मोस्ट मेटल डिफॉर्म प्लास्टिकली इज नोन एज। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा एट का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डिसलोकेशन। उसमें क्या होता है, माना कि ये मेरी मेटल कुछ इस तरह अरेंज है, इसमें इसके पार्टी इस कुछ इस तरह अरेंज है, ठीक है। अब डिसलोकेशन में क्या हो जाता है कि ये कुछ शिफ्ट हो जाती है, तो उसमें उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन। ट्विनिंग में क्या होता है, माना कि इधर पे जैसा दिखाई दे रहा है सेम के सेम मेटल इधर दिखाई देगा, लेकिन बीच के जो ग्रेन होते हैं ना वो थोड़े से झुक जाते हैं, वो होती ट्विनिंग। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर यानी कि उसका क्रैक हो जाना फ्रैक्चर कहलाता है। स्ट्रेन हार्डनिंग, इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी डिसलोकेशन। अगला दिया हुआ है, विद द पंच फॉर अ बीच द मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस इज 4 times द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ द प्लेट्स, द बिगेस्ट होल दैट कैन बी पंच्ड इन द प्लेट पुट वुड बी ऑफ द इक्वल टू। देखिए इसमें ये दिया हुआ है क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है मेटल की वो 4 times है शेयरिंग स्ट्रेस के, ठीक है। अब क्रशिंग स्ट्रेस के लिए मैं फॉर्म में क्या लिखूंगा, माना कि मेरे पास ये प्लेट है, इसकी मैं क्रशिंग करना चाहता हूँ। क्रशिंग का मतलब क्या होता है, ये प्लेट को यहाँ से मैं तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से टूटेगी, माना कि मेरे पास ये पेन है तो इसकी क्रशिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, जबकि शेयरिंग कहाँ से होगी, इस सरफेस पे शेयरिंग होगी, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, पी अपॉन पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू, शेयरिंग कहाँ से होती है, 4 इंटू पी अपॉन पाई डी टी, ठीक है। अब देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई डी से पाई डी कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थिकनेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लेट थिकनेस के बराबर क्रशिंग होती है, ठीक है। यानी कि उसका डायमीटर कितना, मैक्सिमम होल का डायमीटर बना सकते हैं प्लेट की थिकनेस के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशन द टाइप ऑफ मोटर इज सुटेड फॉर, ट्रैक्शन एप्लीकेशन के लिए कौन से टाइप का मोटर बेस्ट सुटेबल होता है ये आपको बताना है। इसमें इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी स्टंट संट मोटर या फिर डीसी सीरीज मोटर। तो ट्रैक्शन एप्लीकेशन जितने भी होते हैं ना उनमें हम कौन सा मोटर यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन लोडिंग अ डक्टाइल मटेरियल इन एक्सेस ऑफ अ सर्टेन वैल्यू ग्रेजुअल इंक्रीज इन इलोंगेशन अकर विद टाइम सच फिनोमेना इज नोन एज। यानी कि किसी कोई ऐसे कि आपका पंखा टंगा हुआ है, तो पंखे में क्या करते हैं हम इस मेटल पर ये लोड हमने ऐसे टांग दिया और ये टंगा हुआ है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रीप, ठीक है। फटिक दिया हो, फटिक में क्या होता है, जैसे कि आपकी बस में जो मेटल लगी हुई है, तो क्या बस आपकी चलती है तो ऊपर नीचे होती है, यानी कि आपको दचके कम लगते हैं, तो क्या होता है टाइम के साथ साइकिलिंग लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है, उसको बोला जाता है फटिक। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, यानी कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा दूँ इसी पॉइंट पर, तो वो जाता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्चर अगर एट अ पॉइंट इन अ मेंबर व्हेन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन अ बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम रीचेज द शेयर स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन टेस्ट दिस इज अकॉर्डिंग टू। यानी कि इसमें यह बोल रहा है कि यदि उसकी जो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस होती है ना वो नॉर्मल स्ट्रेस है, वो शेयरिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाए। एक बार और पढ़ लेते हैं, द फेयरवेल अगर एट अ पॉइंट इन द मेंबर व्हेन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम रीचेज शेयर स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन टेस्ट। यानी कि उसकी शेयर स्ट्रेस और सिंपल टेंशन टेस्ट में उसकी शेयर स्ट्रेस यदि दोनों बराबर हो जाएं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये किस थ्योरी के द्वारा दी जाती है, लैग्रैन्ज थ्योरी, गेज थ्योरी, लेम थ्योरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा गेज थ्योरी। और इसको बोलते हैं क्या, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, इस थ्योरी को बोला जाता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ बासर ऑफ अ वॉशर, हम लगाते हैं ना बासर, लगा दीजिए बासल, अपनी देसी भाषा में तो ये बोलते हैं ना कि बासल लगा दीजिए, तो ये बासल क्या काम करता है, वॉशर
to fill the axial gap, to provide crushing effect, to absorb shock and vibration, and to provide bearing area. तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 का, टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया, यानी कि आप जहाँ पर उसको लगाना चाह रहे हैं वो वहीं पे लगे, ऊपर नीचे ना हो जाए. तो इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, बॉसल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एंडोरेंस लिमिट ऑफ द गियर मटेरियल डिपेंड ऑन सरफेस हार्डनेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ऑल ऑफ द अबव. तो ये किस किस पर डिपेंड करती है, सरफेस एंडोरेंस लिमिट. एंडोरेंस लिमिट क्या होती है, एंडोरेंस लिमिट वे लिमिट होती है कि जो उसकी मटेरियल को फैल होना चाहिए. माना कि जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, मटेरियल को फैल होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन एंडोरेंस लिमिट की वजह से वो बहुत पहले ही कहीं यहाँ पे फैल हो जाएगा या फिर कहीं इधर पे ही फैल हो जाएगा, यानी कि उस मटेरियल की एंडोरेंस लिमिट कम है. एंडोरेंस लिमिट कम किस वजह से हो सकती है, उस पर सरफेस पर रफनेस हो, सरफेस पर रफनेस होगी तो क्या होगा कि कोई भी पेनिट्रेशन जल्दी से हो जाएगा. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस हार्डनेस. चलिए 14 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, सरफेस हार्डनेस. चलिए, अ डबल स्ट्रेप बट जॉइंट इज ऑलवेज इन. देखिए डबल स्ट्रेप बट जॉइंट क्या होता है, ये एक प्लेट लगा दी, ये दूसरी प्लेट लगा दी, इसके ऊपर एक प्लेट ये लगा दी और इसके ऊपर एक प्लेट ये लगा दी, यहाँ पर एक रिबिट लगा दी, यहाँ पर एक रिबिट लगा दी. अब देखिए एक यहाँ से फैल होगी रिबिट और यहाँ से फैल होगी, तो इस पर कौन सा शेयर होगा हमेशा, आप खुद बता दीजिए, सिंगल शेयर होगा कि डबल शेयर हो रहा है, आप खुद देखिए ना आगे. तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डबल शेयर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू 2x अपॉन 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू. तो चलिए निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 10 इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब मैं इसका करता हूँ dy by dx, तो 10 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरा a मान लें इसको, इसको क्या मान लें, a. तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर. अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन मुझे करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर. अब इस नीचे वाले टर्म को ऐसे ही रखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले टर्म का क्या कर लूँगा, डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा माइनस. अब ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही रखूँगा मैं, और नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर लूँगा, 1 का हो जाएगा 0 और माइनस 2x का कितना हो जाएगा, माइनस 2x. ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको. चलिए अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर कट जाएगा और ये इधर आ जाएगा. तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. अब जब आप आगे और सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका यही आने वाला है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबेट आर मेड ऑफ, रिबेट हम किसके लिए बनाते हैं, रिबेट हम किसकी बनाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल की, हार्ड मटेरियल की, डक्टाइल मटेरियल की या फिर ब्रिटल मटेरियल. तो ब्रिटल की तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटल में तो क्या, एक लिमिट के बाद वो थोड़ा भी टाइम नहीं लेता, डायरेक्ट क्रैक हो जाता है, यानी कि एक्सटेंड नहीं होता, इसलिए ब्रिटल मटेरियल चला गया. हार्ड मटेरियल की भी नहीं, हार्ड मटेरियल, लेकिन इसमें सही ऑप्शन जो लग रहा है वो लग रहा है क्या, डक्टाइल मटेरियल. डक्टाइल मटेरियल क्या होता है कि डक्टाइल रहता है, उस वजह से यदि स्ट्रेस ऊपर नीचे भी होना तो उसको सहन कर लेता है. ठीक है, अगला दिया हुआ, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टी कॉलर ऑन अ फ्लैट कॉलर पाइवोट बियरिंग इंक्रीज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू एस्टेब्लिश सेल्फ सस्टेनिंग बियरिंग कंडीशन डिस्ट्रीब्यूट द फ्रिक्शनल लोड बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूटिंग द एक्सियल लोड बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग बियरिंग प्रेशर ऑन द कॉलर. तो जो आपका ऑप्शन नंबर 18 है, 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे कि नंबर ऑफ कॉलर आप किस लिए प्रोवाइड करते हैं, माना कि ये मेरे पास एक साफ्ट है, इसमें मैंने कॉलर प्रोवाइड कर दी, तो क्या होता है कि इस कॉलर पर हम एक लिमिट तक ही फोर्स लगा सकते हैं, फिर अगला फोर्स अप्लाई करने के लिए आपको दूसरी कॉलर अप्लाई करनी पड़ेगी. तो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट द एक्सियल लोड बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग बियरिंग प्रेशर ऑन द कॉलर, यानी कि एक बियरिंग पर हम कुछ लिमिटेड बियरिंग प्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं. सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. अगला दिया हुआ है, एंगल ऑफ ड्यूल ऑफ द कैम इज डिफाइन एज द एंगल ड्यूरिंग विच द फॉलोअर रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजिशन, यानी कि उसकी इनिशियल पोजिशन वाला आता है. दूसरा दिया है,
एज एंगल ऑफ द रोटेशन ऑफ द कैम फॉर डिफाइनिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लोवर. अगला दिया हुआ है थ्रू विच द कैम रोटेट ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द फ्लोवर रिमेन्स एट द हाइएस्ट पोजिशन मूव्स बाय द कैम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द फ्लोवर बिगिन टू राइज टिल इट रीच टू हाइएस्ट पोजिशन. देखिए ड्वेल पीरियड हम एक पीरियड भी बोलते हैं ना ड्वेल पीरियड, माना कि ये मैंने बनाया, ये राइजिंग हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा और इस दौरान कुछ भी राइज रिटर्न नहीं हो रहा है, यानी कि या तो ये हाईएस्ट पोजीशन पर रहेगा या फिर हम नीचे प्रोवाइड कर देते हैं ड्वेल तो या फिर लोएस्ट पोजीशन पर रहेगा. ड्यूरिंग विच माना कि मैं कुछ इस तरह बना दूँ कैम, चलिए मैं कैम कुछ इस तरह बना लेता हूँ, ठीक है. ये क्या हो जाएगा बेस सर्कल. देखिए तो इसका ये वाला एंगल रहेगा ना, इसको इतना शार्प नहीं बनाते हैं, हम शार्प नहीं बनाते हैं क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा आती है, इसको कुछ इस तरह बना दूँ मैं इस तरह. अब देखिए ये वाला जो एंगल हो जाएगा ना, इस दौरान जो आपका क्या हो जाएगा फॉलोअर राइज पोजीशन पर रहेगा, ठीक है. तो इसी को क्या बोला जाता है ड्वेल एंगल. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, या तो उस दौरान आपका राइजर है वो ऊपर ही रहे यानी कि मैक्सिमम पोजीशन पर रहे या फिर मिनिमम पोजीशन पर रहे, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ड्वेल प्रोवाइड करते हैं. ऊपर प्रोवाइड करना है यानी कि हाईएस्ट पोजीशन पर प्रोवाइड करना है या फिर लोएस्ट पोजीशन पर ड्वेल प्रोवाइड करना है, कहाँ प्रोवाइड करना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई ऑफ द वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन टू द सूट द लोड कंडीशन इज कंट्रोल बाय, यानी कि आपके इंजन पर लोड कम हो रहा है लोड ज़्यादा हो रहा है तो उस दौरान जो फ्लूइड को, यानी कि माना कि आप तीन लोग बाइक पर बैठ गए तो उस टाइम पे आपकी बाइक ज़्यादा फ्यूल फूकेगी तो उसके लिए उस टाइम पे आपको ज़्यादा फ्यूल चाहिए रहेगा. लेकिन बाइक में है ना, ठीक है, और कार ले लीजिए, कार में क्या होता है यदि आप ज़्यादा लोग बैठे तो ज़्यादा फ्यूल लगता है, कम लोग बैठे तो कम फ्यूल लगता है, ठीक है. इसी तरह तो इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोलिंग का काम करता है गवर्नर, फ्यूल की सप्लाई को या फिर, ठीक है. और जो स्पीड में फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है ना वो करता है आपका फ्लाई व्हील, ठीक है. तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. थ्रोटल वाल्व तो उसको कंट्रोल करता है, थ्रोटल वाल्व गवर्नर के द्वारा कंट्रोल होता है. चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी. अगला क्या दिया हुआ है, द पेंटोग्राफ इज अ डिवाइस दैट रेस्पॉन्स टू डिस्प्लेस. देखिए पेंटोग्राफ क्या होता है, यदि आपके पास एक कोई स्केल है तो आप उससे छोटी ड्राइंग करना चाहते हैं तब भी आप पेंटोग्राफ यूज कर सकते हैं, या फिर उससे बड़ी ड्राइंग करना चाहते हैं तब भी आप पेंटोग्राफ यूज कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूस कर देगा आपकी ड्राइंग यदि बड़ी है तो, यदि छोटी है तो उसको बढ़ाने का काम करता है क्या पेंटोग्राफ. तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन द सेम स्केल नहीं होगा, ऑन एनी स्केल यही सही हो जाएगा, ऑन रिड्यूस स्केल रिड्यूस भी कर सकता है, ऑन एनलार्ज स्केल. तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑन एनी स्केल, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है. चलिए अगला दिया हुआ है, इन केस ऑफ गायरोस्कोपिक इफेक्ट द प्लान ऑफ स्पिन गायरोस्कोपिक कवल एंड प्रिसीजन. देखिए जो तीनों होते हैं ना परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली. देखिए ये मैंने लगा दिए, सही दिख रहा है आपको, दिख रहा है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, देख लीजिए आप, परपेंडिकुलर है. ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, देख लीजिए ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है. ऐसा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि सामने से आपको दिख जाए. तो तीनों प्लान क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. प्लान ऑफ प्रिसीजन, प्लान ऑफ स्पिन है तो प्लान ऑफ प्रिसीजन ये हो जाएगा, और कपल का जो गायरोस्कोपिक कपल आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है. तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. अगला दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर पेयर. देखिए एक होता है हायर पेयर और दूसरा होता है लोअर पेयर. हायर पेयर वो पेयर होती है जिसमें पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, और जो लोअर पेयर होती है उसमें सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है. उल्टा है, कंफ्यूज मत होना, लोअर पेयर होगी ना तो उसमें सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है. और जो हायर पेयर होती है उसमें पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, इतना आपको ध्यान रखना है. तो इसमें सही ऑप्शन क्या लग रहा है, पिस्टन एंड सिलेंडर, कैम एंड फॉलोअर. कैम एंड फॉलोअर माना कि आपका नाइफ एज फॉलोअर है तो इसमें क्या पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, ये क्या हो जाएगी आपकी हायर पेयर. बेल ड्राइव और गियर ड्राइव, गियर ड्राइव में भी आपका ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं आती, तो इसका लोअर पेयर क्या हो जाएगी जिसमें ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही हो. तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, एक ये आपका मैच द फॉलोइंग है. चलिए तो इसमें आपको बताने हैं सही ऑप्शन कौन कौन से हैं, ठीक है. पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब क्या करती है,
फ्लो स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है, किसमें पिटोट ट्यूब में फ्लो स्टैग्नेशन प्रेशर हो जाएगा, इसका सही आंसर। अगला क्या दिया हुआ है, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर क्या करता है, डिफरेंशियल प्रेशर को मेजर करता है। अगला दिया पाइप बेंड मीटर, पाइप बेंड मीटर क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो कंट्रोल देखता है, ठीक है। अगला दिया हुआ है बाल प्रेशर टेप, फ्लो स्टैटिक प्रेशर, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आप गेट के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ESC के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, SSC JEE, RRB JEE, किसी के भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर जाकर वीडियो देखें, ताकि तभी तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में मैं बोल ही रहा हूँ या फिर आपको वीडियो भी मिल रहा है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।